हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 7 का विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो रंध्र। मनुष्य में दांतों के प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कितने? 4। अगला, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम घटपर्णी है। स्वयं मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। वह परिवर्तन जिसमें एक नए पदार्थ बनते हैं तो क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में और बनते हैं क्या बनता है? लवण और पानी बनता है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। अमीबा अपने भोजन का पाचन में करता है, कहाँ करता है? राजधानी में करता है। अमरबेल उदाहरण है परजीवी का। जल के गर्म करने पर ऊष्मा स्थानांतरण विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा। परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर बताना है, तो हमें अंतर बता देना है परजीवी में और मृतजीवी में। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? सिरका, दही, पालक में पाई जाने वाली अम्ल का सिलका, साइट्रिक, दही में लैक्टिक अम्ल, पालक में जो भी अम्ल होता है बता देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मा रोधी में क्या समझते हैं? प्रत्येक के दो उदाहरण बताना है, अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर बताना है। ये 16वां क्वेश्चन देख लेंगे। अमीबा का नामांकित चित्र बनाइए और घटपर्णी का नामांकित चित्र बनाइए। तो जिसमें जो भी हमसे आता हो तो उसका क्या कर देना है? चित्र बना देना है। दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्य बताना है। भौतिक रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताना है। गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है घर की बाहरी दीवारें श्वेत या सफ़ेद पेंट किया जाए, इसका व्याख्या करना। प्रयोगशाला तापमापी, डाक्टरी थर्मल तापमापी में भी समानता या अंतर लिखना। और ये हम लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बना लेना है।